हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 4, पार्ट साइन वॉल। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। उसके बाद हेडिंग डालो पार्ट्स ऑफ द स्ट्रीट। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस पिक्चर। ये है पिंक कलर, येलो है, ब्लू है और ग्रीन कलर है। तो ग्रीन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। ब्लू में टोटल 1 2 3 4 पार्ट है और येलो में 2 पार्ट्स है और ये तो फुली है। सो लिखो आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। फर्स्ट है राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीसेस। ग्रीन जो पार्ट थे हमने काउंट किया, टोटल कितने पीसेस थे, 8। तो ईच पीस, तो ईच है यहाँ पे, ईच है तो हम लिखेंगे 1/8। ईच ग्रीन ग्रीन पीस इज 1/8 पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। उसके बाद राइट द पार्ट फॉर अ पीस ऑफ ईच कलर। यहाँ भी ईच है और ग्रीन का हमने लिख दिया, तो बाकी के लिखने हैं। ब्लू के कितने हैं देखो, हमने अभी काउंट किया कि ब्लू के है टोटल 1 2 3 4, तो 1/4 लिखेंगे। येलो के है 1/2 और ये तो फुली है। सो ईच ब्लू पीस इज़ 1/2 पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। ईच येलो पीसीज इज़ 1/2 पार्ट ऑफ द स्ट्रिप एंड ईच पिंक पीस इज फुल पार्ट ऑफ द स्ट्रिप। उसके बाद है हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। 1/8 विल मेक 1/4 बनाना है तो 1/8 कितनी बार लिखेंगे, 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। 8 को कट करो, 4 2 2 2 कट 1/4, तो कितनी बार हुआ 2, तो 2 1/8 विल मेक 1/4। उसके बाद लिखो क्वेश्चन हाउ मेनी 1/4, हाउ मेनी 1/4 विल मेक हाफ। कितने 1/4 मिला के हाफ होगा, तो 1/4 इज इक्वल टू 2/4। 4 का 2 2 ज़ा होता है, सो 2 2 कट 1/2, कितना मिला 2, तो 2 1/4 विल मेक अ हाफ। हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2। 1/2 में 1/8 कितने हैं, कितने होंगे, चलो देखते हैं। 1/8 ये 1 हुआ, 2 3 4, चलो 4/8 करें, तो 4 का हा 8 का क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 4 कट हो गए, तो 1/2, तो ये 1/8 कितना हुआ, 4। तो देर आर 4 1/8 इन 1/2। आस्क योर फ्रेंड्स सम क्वेश्चंस ऑन द सेम पिक्चर। लिखो क्वेश्चन हाउ मेनी 1/8 विल मेक द वॉल स्ट्रिप। हाउ मेनी 1/8 विल मेक द वॉल स्ट्रिप। 1/8 कितनी बार हम करेंगे तो पूरी वन स्ट्रिप बनेगी, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 बार करना है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 और 8 इक्वल होगा तो ही होगा। 4 टाइम हुआ, 5 टाइम, 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8, इसका टोटल करोगे 8/8 1 आ गया, तो 8 1/8 विल मेक द वॉल स्ट्रिप। वैसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज कवर बाय 4 1/4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स 4 1/4, तो यहाँ क्या था 1/8, 8 1/8, तो वॉल स्ट्रिप इज कवर बाय 4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सो 4/4, सो कवर बाय वॉल स्ट्रिप इज कवर बाय 4 1/4 पार्ट्स। उसके बाद हेडिंग लिखो पैटर्न्स। क्वेश्चन 1 करके लिखो लुक एट दिस पिक्चर, सॉरी दिस स्क्वेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लुक एट दिस स्क्वेयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखो व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू। व्हाट पार्ट इज कलर ब्लू, पहले तो हम इसके टोटल पार्ट कर ले कितने हैं। चलो इसका भी यहाँ पे हाफ करो, तो यहाँ भी हाफ करना होगा यहाँ पे। अब ये देखो ये ग्रीन है, तो यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल पार्ट कितने हैं,
सिक्सटीन, तो व्हाट पार्ट इज कलर ब्लू, ब्लू कलर कितने पार्ट में है, टू बाय सिक्सटीन, तो टू बाय सिक्सटीन पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अगर टू बाय सिक्सटीन है इसे अब कट करें तो यहाँ पे एट टू जै सिक्सटीन हो, तो टू टू कट हो गया तो वन बाय एट। देखो टू बाय सिक्सटीन और वन बाय एट पार्ट इज कलर ब्लू। उसके बाद क्वेश्चन लिखो व्हाट पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन कितने पार्ट में है, वन, वन बाय सिक्सटीन, वन बाय सिक्सटीन पार्ट इज कलर्ड ग्रीन। उसके बाद हेडिंग डालो पजल इज इट इक्वल, क्वेश्चन वन करके लिखो, अमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर्स आर इक्वल, हाफ ऑफ हाफ एंड वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर्स, डू यू एग्री, हाउ विल यू शो दिस। जो अम्मी है वो कहती है हाफ ऑफ हाफ, हाफ का हाफ एन थ्री क्वार्टर, वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर आर एस इक्वल, वो इक्वल है क्या, आप एग्री है क्या, हम एग्री है, हाउ विल यू शो दिस, हम वो कैसे बताएंगे। चलो सो वन हाफ पार्ट ऑफ वन हाफ मीन्स, हमें क्या हाफ ऑफ हाफ, वन हाफ पार्ट ऑफ वन हाफ मीन्स जो हाफ है, ये हाफ है इसका हमें हाफ करना है, ठीक है, तो वन बाय टू मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, सो वन बाय फोर हो जाएगा, समझ में आया। ये हाफ है, ये तो हाफ है, उसका यहाँ पे हाफ करना है तो टू यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सो वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय टू, तो वन बाय फोर। देन वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर्स मीन्स वन बाय थर्ड, थ्री क्वार्टर्स थ्री बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय थ्री मल्टीप्लाई थ्री बाय फोर, तो यहाँ पे थ्री थ्री कट हो गए तो वन बाय फोर आ गया, तो यहाँ भी वन बाय फोर है, यहाँ भी वन बाय फोर है, तो दस बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, यस अमिनी इज राइट, आई एग्री विथ हर, यस अमिनी है वो राइट है, हम उसके साथ एग्री है। देखो ये हाफ है, हाफ ऑफ हाफ ये उसका भी हाफ है, देखो, और वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर, देखो यहाँ पे तीन है यहाँ पे वन है, वन थर्ड ऑफ थ्री क्वार्टर ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालो फ्रॉम अ पार्ट टू द वॉल, फर्स्ट लिखो दिस सो वन बाय फिफ्थ पेटल्स, यहाँ पे एक ही है पर टोटल कितने पार्ट्स है, फाइव, तो ऑफ अ फ्लावर कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग टू अदर पेटल्स, यहाँ पे एक ही ड्रॉ किए, टोटल फाइव है, फाइव में से ये वन है, तो आपको यहाँ पे और फोर ड्रॉ करनी है, किस में करोगे, होमवर्क में, टोटल कितनी ड्रॉ करनी है, फाइव, उसमें से वन में कलर है, आप कर सकते हो सभी में कलर, यहाँ पे एक है तो एक है इसलिए वन बाय फाइव किए, तो हमें बाकी की ड्रॉ करनी है, एक है सो हम कितने ड्रॉ करेंगे, फोर। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन द पिक्चर शोज वन थर्ड ऑफ, यहाँ पे वन थर्ड है, यहाँ पे एक ही है तो हम और कितने ड्रॉ करेंगे, दो, तो हो जाएंगे टोटल तीन, वन थर्ड ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द ब्लेड्स, तो हमें यहाँ पे दो और ड्रॉ करने हैं, ये भी होमवर्क में। उसके बाद थर्ड वाला देखो हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शो हियर कंप्लीट द पिक्चर, यहाँ पे हाफ दिया है तो हमें और हाफ ड्रॉ करना है, ये हाफ है, ये टू है, ये टू है वो हाफ है, तो टू में हाफ प्लस करो, टू प्लस टू तो फोर, तो यहाँ पे हमें टोटल फोर ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पे ओनली टू ही है, तो हमें यहाँ पे दो और ड्रॉ करने हैं, कितने ड्रॉ करने हैं, दो, क्योंकि हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शो हियर कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ,
ये दो है, ये हाफ है, और वो दो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, ये भी होमवर्क में ड्रॉ करना है। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ब्लड्स हैव यू ड्रॉ, आपने कितने ड्रॉ किए, फोर किए, सॉरी टोटल फोर है, आपने कितने ड्रॉ किए, टू। तो लिखो आंसर, आई हैव ड्रॉ टू ब्लड्स, ठीक है, समझ में आ गए। उसके बाद हेडिंग डालो रुपीज़ एंड पैसा। क्वेश्चन वन करके लिखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपीज़। 50 पैसा, 1 रुपीज़ कैसे बनेगा, 50 पैसा के हम 2 कॉइन लेंगे तो 1 रुपीज़ बनेगा। तो लिखो आंसर, 2 50 पैसा कॉइन्स विल मेक 1 रुपीज़, 2 50 पैसा कॉइन्स विल मेक 1 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, इज़ 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपीज़, सो यस, ये हाफ है ना, सो यस, सो 50 पैसा इज़ हाफ ऑफ 1 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, विल मेक 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ बनाने हैं तो हमें टोटल कितने कॉइन चाहिए होंगे, 10। सो लिखो आंसर, 10 1 रुपीज़ कॉइन्स विल मेक 10 रुपीज़। 1 रुपीज़ के 10 कॉइन लेंगे तो 10 रुपीज़ बनेंगे। देन 1 रुपीज़ ब्लैंक्स पार्ट ऑफ 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ है वो कितना पार्ट है, तो 1/10, 1/10 पार्ट ऑफ 10 रुपीज़। हाउ मैनी, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, विल मेक 10 रुपीज़। 2 है, 2 5 10 होता है, तो हमें टोटल कितने कॉइन चाहिए होंगे, 5। तो 5 2 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़, 5 2 रुपीज़ विल मेक टू मेक 10 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन है, 2 रुपीज़ इज पार्ट ऑफ 10 रुपीज़, वो कितना पार्ट है, तो कितना है, 1/5, 1/5, क्योंकि 2 + 2 + 2 + 2 5 बार करेंगे तो 10 होता है, तो 1/5। हाउ मैनी विल मेक 10 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये किसका, 5 रुपीज़ का कॉइन है। हाउ मैनी विल मेक 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ कैसे होंगे, 5 + 5 करेंगे सो 10 होंगे, सो 2 5 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़, 2 5 रुपीज़ विल मेक 10 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रुपीज़ इज पार्ट ऑफ 10 रुपीज़, कितना पार्ट है, यहाँ पे 2 बार किया, यहाँ पे 5 बार किया था, यहाँ पे 2 बार है, तो 1/2, 5 रुपीज़ इज 1/2 पार्ट ऑफ 10 रुपीज़, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।